नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एटेक्स हेल्पलाइन पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम रेगुलर में डिस्कस करते रहते हैं जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, और पीछे जो हमने एक वीडियो बनाई थी जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के ऊपर आई थी, तो आप लोगों का जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो नई नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स डिपार्टमेंट ने निकाले हैं, खासकर वो जो 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल होंगे, तो एक एक करके हम वो डिस्कस करेंगे। सर के सबसे पहले हम नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन हमें बताती है कि सर्विस प्रोवाइडर्स कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और उनके लिए क्या क्या कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट, पैरेलल नोटिफिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स में रेट में नहीं आई है ओब्वियसली, और यूटी में आई है, और पैरेलली स्टेट टैक्स ने भी सेम पैरेलल नोटिफिकेशन निकाली है। सो व्हाट नोटिफिकेशन सेज इन एक्सरसाइज इन द पावर कन्फर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड ऑन बींग सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू हेयर बाय नोटिफाइज द सेंट्रल टैक्स ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 1 हेयर ऑन द टेबल बिलो शैल बी लेविड एट द रेट स्पेसिफाइड इन कॉरस्पॉन्डिंग टेबल 2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन टेबल 3। सो नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई rate and then the condition. So what is the description of supply? First, supplies of goods or services or both up to any aggregate turnover of 50 lakh rupees made on or after 1st day of April in any financial year by the registered person. तो पहली 50 लाख की सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उनका सीजीएसटी का रेट 3% रहेगा। कहने का मतलब ये है कि टोटल रेट 6%, जिसमें सेंट्रल रेट 3% और स्टेट रेट 3% होगा। कंडीशंस क्या होंगी? सप्लाईज आर मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग ईयर शुड बी लेस देन 50 लैक्स, पहली कंडीशन। हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द सेड एक्ट, मीन्स एज ए रेगुलर टैक्स पेयर। हु इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई विच इज नॉट लेवेबल टू बी टैक्स अंडर द सेड एक्ट, कहने का मतलब ये है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में इन्वॉल्व नहीं है। हु इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स के ट्रांजेक्शन्स या एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व नहीं है। हु इज नाइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सो ना तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। हु इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। तो ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू भी आप अपनी सप्लाईज नहीं कर सकते। हु इज नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ द गुड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ द नेक्स्ट बिलो एंड फॉलिंग अंडर द टैरिफ आइटम सब हेडिंग हेडिंग और चैप्टर एज द केस मे बी सेटिस्फाइड इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम 2 ऑफ द सैड अनेक्स्टर। तो जो ये अनेक्स्टर नीचे लगा हुआ है, अगर आप इन सप्लाईज में हैं तो भी आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इस इन टैरिफ आइटम्स में अगर आप डील करते हैं आइसक्रीम और अदर एडिबल आइसक्रीम्स वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट, तो अगर आप इनमें डील करते हैं तो भी आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। देन वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पेन इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल टैक्स ओन सप्लाईज बाय ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन इज पेड एट द रेट स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 अंडर दिस नोटिफिकेशन, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पर्सन हैं, चाहे वो कंपनी हो या इंडिविजुअल हो या फर्म हो, और आपके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर हैं, तो सभी के सभी को ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेना पड़ेगा या किसी को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि या तो सभी नंबर्स पे लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में ले रहे हैं और यूपी में नहीं ले रहे, नहीं, आपको सभी में लेना पड़ेगा या फिर आप किसी में भी नहीं ले सकते। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम नॉर शैल ही एंटाइटल टू टेक एनी क्रेडिट, आपको ना तो ITC मिलेगा जो भी आपके इनपुट्स हैं, और आप ना ही बायर से कोई टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, आपको अपनी पॉकेट से 6% पे करना है। द रजिस्टर पर्सन शैल इशू इंस्टीड ऑफ टैक्स इनवॉइस बिलो सप्लाई एज रिफर्ड इन क्लोज सी ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द सैड एक्ट विच प्रिस्क्राइब इन रूल 49। तो आप
टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, जो कि कंपोजिशन स्कीम वाले पहले ही इशू करते आ रहे हैं। सेम बिल ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज सी में दे रखा है वो आपको इशू करना है। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंशन द फॉलोइंग वर्ड्स एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई, नेमली टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर। सो हर बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर आपको ये लाइन स्पेसिफिकली लिखनी है। द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू पे सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 3% ऑफ दिस नोटिफिकेशन शैल बी लाइबल टू पे सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 3% ऑन ऑल आउटवर्ड सप्लाईज इन कॉलम 1 नोटविस्टैंडिंग एनी अदर नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 और अंडर सेक्शन 11 ऑफ सेक्ट एक्ट। तो आप जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज कर रहे हैं उन सभी के ऊपर आपको ये 6% या 3% CGST और 3% SGST पे करना है। द रजिस्टर पर्सन ऑप्टिंग टू पे सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 3% अंडर दिस नोटिफिकेशन शैल बी लाइबल टू पे सेंट्रल टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और एट द एज द केस में बी अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द सेड एक्ट एज अप्लाइज। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, देन वी लेट्स लीड दैट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन द एक्सप्रेशन फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन इंक्लूड द सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द डेट फ्रॉम विच इट बिकम्स लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट। बट द पर्पज ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स पेबल अंडर द नोटिफिकेशन शैल नॉट इंक्लूड द सप्लाईज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द डेट फ्रॉम विच ही इज बिकम लायबल टू रजिस्टर अंडर द एक्ट। तो कहने का मतलब ये है, ये क्लियर किया जा रहा है कि मान लीजिए 1 अप्रैल को आपके पास नंबर नहीं है और 15 लाख की टैक्स 15 लाख की सप्लाईज देने के बाद आपने नंबर लिया 1 जून को, तो आपकी जो ये 50 लाख की लिमिट है, ये टर्नओवर जो कैलकुलेट होगी वो 1 अप्रैल वाली टर्नओवर से ही होगी। आप समझ पा रहे हैं कि जो वो 15 लाख की टर्नओवर जिसपे मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया था वो भी 50 लाख की टर्नओवर के लिए काउंट की जाएगी। लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन अगेन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन द एक्सप्रेशन फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन इंक्लूड द सप्लाईज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द डे फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। But for the purpose of determining the tax payable under this notification shall not include the supplies from which the first days of April of the financial to the day from which is liable to pay. तो यहाँ पे लो बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि 50 लाख के काउंटिंग के लिए वो कंसिडर होगा 1 अप्रैल से 1 जून वाला जो 15 लाख जो हमने अभी एग्जाम्पल में स्टेट किया, लेकिन वो जो 6% पे करना है वो 1 जुलाई के बाद 1 जून के बाद वाले पे करना है, वो 1 अप्रैल से 1 जून वाले पे नहीं करना। तो टर्नओवर के लिए कैलकुलेट होगा लेकिन टैक्स के लिए कैलकुलेट तभी होगा जब मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है। तो ये नोटिफिकेशन है जो बहुत दिनों से वेट में थी, 1 अप्रैल 2019 से ये एप्लीकेबल हो जाएगी नोटिफिकेशन, और इसके अंतर्गत अब सप्लायर ऑफ सर्विसेज या मिक्स सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई वाले भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए रेट 1% नहीं 6% है और उनके लिए सीलिंग 1.5 करोड़ नहीं 50 लाख है, और बाकी जो कंडीशंस इसमें दे रखे हैं जो हमने रीड आउट की वो सारी की सारी कंडीशंस उनको फॉलो करनी है। देन लेट्स कम टू नोटिफिकेशन नंबर 10। नोटिफिकेशन नंबर 10 ओब्लिक 2019 ऑफ सेंट्रल टैक्स, ये नोटिफिकेशन क्या कहती है, एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज एक्सेप्ट ए पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 मींस इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ टेबल बिलो, मीन्स जो हमने पहले भी डिस्कस की थी आइसक्रीम पान मसाला या फिर टोबैको मटेरियल्स में आप डील करते हैं, उस केस में ये 40 लाख का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं उस केस में आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और एनी पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड पुडुचेरी सिक्किम तेलंगाना त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन ऑप्शन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 और सच अदर रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंडेड टू कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, 1 अप्रैल 2019 से आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 लाख से 40 लाख होने जा रही है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, आप इंटरस्टेट सप्लाईज नहीं कर रहे, आप नीचे जो 3 आइटम्स दे रखी हैं आइसक्रीम पान मसाला और टोबैको मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स जो इंडियन टैरिफ हेडिंग्स में आते हैं उनमें डील नहीं कर रहे, और आप इन पर्टिकुलर स्टेट्स में
रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 40 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना चाहते हैं, स्टिल ये सारी कंडीशंस आपको मैच करनी पड़ेंगी। अगर मैच होती हैं तो भी आप अपना एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन नया लेने की बात है उसके लिए आप ये 40 लाख की सीलिंग फॉलो कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11, नोटिफिकेशन नंबर 11 ये कहती है कि अप्रैल मई जून 2019 की जो क्वार्टरली रिटर्न जानी है आपकी जीएसटीआर 1 वो 31 जुलाई 2019 तक जाएगी। कहने मतलब ये है कि जैसे अभी जा रही है कि क्वार्टर एंड के बाद का जो मंथ है उसके लास्ट डेट तक फाइल करनी होती है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च की हमें 30 अप्रैल तक फाइल करनी है, उसी तरीके से अप्रैल मई जून 2019 की 31 जुलाई 2019 तक जीएसटीआर 1 जाएगी। ये नोटिफिकेशन के थ्रू, नोटिफिकेशन नंबर 11/2019 सेंट्रल टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट ने बताया है। देन नोटिफिकेशन नंबर 12 पे हम आ जाते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 12 ये कह रहा है कि अगर आप जीएसटीआर 1 भरते हैं और मंथली भरते हैं और आपके टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है साल की, तो उस केस में अप्रैल मई और जून की जो जीएसटीआर 1 जाएंगी वो नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक जाएगी। मीन्स अप्रैल की 11 मई तक, मई की 11 जून तक और जून की 11 जुलाई तक। देन नोटिफिकेशन नंबर 13, नोटिफिकेशन नंबर 13 हमें कह रहा है कि जीएसटीआर 3B की डेट कौन सी है। अप्रैल मई जून 2019 के लिए जीएसटीआर 3B की जो डेट है वो नेक्स्ट मंथ की 20th डेट रहेगी। कहने मतलब ये है कि अप्रैल 19 के लिए 20 मई, मई 19 के लिए 20 जून और जून 19 के लिए 20 जुलाई जो अभी हमारी चल रही है, ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट मंथ की 20th डेट तक 3B की रिटर्न की डेट का मतलब यही है कि हमें टैक्स तब तक भरना है, इंटरेस्ट तब तक भरना है, पेनल्टी और फीस कोई भी टैक्स कंपोनेंट भरना है वो हमें उसी तारीख तक भरना है जब हमारी जीएसटीआर 3B की डेट होती है, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 13/2019। नाउ कम टू नोटिफिकेशन नंबर 14/2019। व्हाट दिस नोटिफिकेशन सेज, नाउ दिस नोटिफिकेशन सेज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल हेयर बाय स्पेसिफाइज दैट एन एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। कहने का मतलब ये है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की जो लिमिट पहले कभी 50 लाख होती थी जिसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया था, और अब वो 1 करोड़ की लिमिट बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दी गई है। तो जो कंपोजिशन डीलर्स गुड्स में डील कर रहे हैं और अभी तक जिनके पास 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट थी वो 1 करोड़ से बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई है इस नोटिफिकेशन के द्वारा, लेकिन ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2019 से। तो स्टार्टिंग में 1 जुलाई 2017 को जब लो आया था तो 50 लाख रुपए की सीलिंग थी कंपोजिशन के लिए जो बढ़ा के 1 करोड़ की गई थी, और अब वो 1 करोड़ से बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दी गई है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 ये इफेक्ट दे रही है कंपोजिशन डीलर्स जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हैं और जिनके लिए गवर्नमेंट ने बताया है कि आपको कितना परसेंट टैक्स देना है, और ये नोटिफिकेशन किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल हेयर बाय स्पेसिफाइज दैट एन एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 1.5 करोड़। पिछले साल की 1.5 करोड़ से कम है मे ऑप्ट टू पे इन लियू ऑफ द पेबल टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द सेड एक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 7 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017। तो पिछले साल अगर 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर थी तो आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द सेड एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी 75 लाख इन रिस्पेक्ट फॉर द बिलो स्टेट्स। तो अगर आपकी टर्नओवर पैन इंडिया लेवल पे हम बात करें तो 1.5 करोड़ पिछले साल से कम है तो आप ये नोटिफिकेशन अवेल कर सकते हैं, लेकिन इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स की अगर बात करें तो आपकी 75 लाख से कम होनी चाहिए। रीज़न वाई, क्योंकि इनके इन केसेस में मिनिमम रजिस्ट्रेशन लिमिट भी 50% ही है, 20 लाख की 10 लाख थी और अब जो 40 लाख हुई है उसको 20 लाख है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तो इन स्टेट्स के लिए अगर हम बात करें तो आपकी 75 लाख से कम होनी चाहिए तभी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द सेड एक्ट इफ सच पर्सन इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स। आप मैन्युफैक्चरर है, आप क्लेम नहीं कर सकते। द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ टेबल बिलो एंड फॉलिंग अंडर द टैरिफ आइटम सब एडिंग चाहे हेडिंग एंड चैप्टर एज स्पेसिफाइड बिलो। तो अगर आप इन गुड्स में डील करते हैं या इन टैरिफ हेडिंग्स के से रिलेटेड गुड्स में डील करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, नाइदर आप कंपोजिशन स्कीम नोटिफिकेशन नंबर 2
ऑब्लिक 2019 जो हमने डिस्कस करी थी, यहाँ पर भी वो बंदे एलिजिबल नहीं है, और यहाँ पर भी जो पुरानी नोटिफिकेशन है उसमें भी वो बंदे एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी की सारी नई नोटिफिकेशंस आई हैं। इसके अलावा एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 92/11/2019 जीएसटी, जो क्लेरिफिकेटरी सर्कुलर है। ये 7 मार्च को आया और ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है। इट इज़ फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, लेट्स डिस्कस दिस ऑल्सो। सो सबसे पहले फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बताया है कि ITC का क्या ट्रीटमेंट करना है। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग सर्टेन सेक्शंस ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री सच एज फार्मास्यूटिकल कंपनीज विच ऑफन प्रोवाइड्स ड्रग सैंपल्स टू देयर स्टॉकिस्ट डीलर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्सेट्रा विदाउट चार्जिंग एनी कंसिडरेशन। एज पर सब क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ 7 सेक्शन 7 ऑफ द सैड एक्ट, द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल मेड्स और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देयरफॉर गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी। अकॉर्डिंगली इट इज क्लासिफाइड दैट सैंपल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटीज फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द सैड एक्ट। तो बात समझिए, वन थिंग इज वेरी क्लियर, फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, इट इज नॉट सप्लाई, इफ इट इज नॉट सप्लाई जीएसटी पे नहीं करना अनटिल एंड अनलेस शेड्यूल 1 के अंदर वो स्पेसिफिकली कवर होते हों। देन फर्दर क्लोज एच ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द सैड एक्ट प्रोवाइड्स। यहाँ मैं ITC डिसअलाउंस की बात कर रहे हैं। ITC शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट स्टोलन डेस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट्स और फ्री सैंपल्स। दैट इट इज क्लासिफाइड दैट क्लेरिफाइड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल टू द सप्लायर ऑन द इनपुट्स इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स टू द एक्सटेंट दे आर यूज्ड इन रिलेशन टू द गिफ्ट्स और फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। हाउएवर वेयर द एक्टिविटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और फ्री सैंपल्स फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई ITC विल बी एलिजिबल। तो यहाँ पे क्लियर सी बात यह है कि अगर फ्री सैंपल्स की सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं देना तो उनका ITC भी आपको डिसअलाउ करना है सेक्शन 17(5) सबक्लोज एच में। तो अगर आउटपुट पे टैक्स नहीं देगा, इनपुट भी अवेलेबल नहीं है फ्री सैंपल का, आउटपुट पे शेड्यूल 1 में टैक्स पे करना है तो इनपुट अवेलेबल है, इट इज वेरी क्लियर। देन बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर, तो आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में जाती हैं। ओब्वियसली हिंदुस्तान यूनिलीवर है या फिर गारमेंट्स इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे इस तरीके की स्कीम्स बड़ी कॉमन है। नाउ टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाईज विल बी डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सप्लाईज ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई और द रेट ऑफ टैक्स शैल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द सैड एक्ट। इट इज ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट ITC शैल बी अवेलेबल टू द सप्लाईज ऑफ द इनपुट्स इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और पार्ट्स थेरऑफ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि यू आर फ्री टू प्रोवाइड बाय 1 गेट 1 ऑफर, कोई इशू नहीं है, बट इनके लिए कोई भी स्पेसिफिक मेथड एप्लीकेबल नहीं है। वी हैव टू सी वेदर इट इज़ ए कंपोजिट सप्लाई, वेदर इट इज़ ए मिक्स सप्लाई और द वैल्यूएशन नीड टू बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 8, बट ITC आपको सबका अवेलेबल है। देन डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर से मोर ऑफर्स, समटाइम्स द सप्लायर ऑफर स्टैगर्ड डिस्काउंट टू हिज कस्टमर्स इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट विद इंक्रीज इन परचेज वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल गेट 10% डिस्काउंट ऑन परचेज अबव ₹5,000, 20% ओवर 10,000, 30% ओवर 20,000। ये इस तरीके के डिस्काउंट कस्टमर्स को भी मिलते हैं और दुकानदारों को भी मिलते हैं। कुछ लोग टिकट्स के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, कुछ स्टॉक्स के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, हर तरीके की प्रैक्टिस मार्केट में चल रही है। नाउ इस तरीके की स्कीम्स के लिए व्हाट जीएसटी हैज क्लेरिफाइड, इट इज क्लेरिफाइड द डिस्काउंट ऑफर्स बाय द सप्लायर टू कस्टमर्स शैल बी एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड दैट सेटिस्फाइड द पैरामीटर लेड डाउन इन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द सैड एक्ट इंक्लूडिंग द रिवर्सल ऑफ ITC बाय द रिसिपियंट ऑफ द सप्लाई एज इट एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय द सप्लायर। इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट सप्लायर शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द ITC फॉर सच इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन सच डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्लियरली बात ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर मैंने कोई एडिशनल डिस्काउंट अवेल किया है तो उसका ITC मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 अगर उसकी कंडीशंस मीट आउट हो रही हैं। तो अगर मेरे को कोई भी इस तरीके का डिस्काउंट मिल रहा है, एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है,
मेरे को उसके ऊपर जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर सप्लायर की बात करें, वो चाहे कितना भी डिस्काउंट दे रहा हो, उसको सारा के सारे इनपुट्स का क्रेडिट अवेलेबल है, दैट हैज़ बीन स्पेसिफाइड। नाउ कम टू द सेकेंडरी डिस्काउंट। नाउ देर आर डिस्काउंट्स विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ओब्वियसली पेमेंट डिस्काउंट है, इंसेंटिव है, अलग तरीके का किसी भी तरीके का डिस्काउंट है, उसके लिए आप बाद में क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 34 सब सेक्शन एक रीड पर करना बहुत जरूरी है, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू एक्सीड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स पेबल इंस्पेक्टर्स ऑफ सप्लाई और वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट और वेयर गुड्स और सप्लाईज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट द रजिस्टर पर्सन हु हैज सप्लाइड सच गुड्स और सर्विस और बोथ मे इशू टू द रिसिपिएंट वन और मोर क्रेडिट नोट्स फॉर सप्लाई मेड इन द फाइनेंशियल ईयर कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे हम क्रेडिट नोट की बात कर रहे हैं कि आपने इन्वॉइस रेज किया, उसमें किसी भी प्रकार की तरीके की डिस्क्रिपेंसी आती है या गुड्स रिटर्न आते हैं या फिर कोई डेफिसिट है, तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन हैज बी रिसीव फ्रॉम द ट्रेड इंडस्ट्री डेट वेदर क्रेडिट नोट्स अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द सैड एक्ट कैन बी इशूड इन सच केसेज इफ द कंडीशंस ले डाउन इन क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द सैड एक्ट आर नॉट सेटिस्फाइड। इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट फाइनेंशियल कॉमर्शियल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड बाय द सप्लायर इवन इफ कंडीशंस मेंशनड इन क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ 15 ऑफ सैड एक्ट आर नॉट सेटिस्फाइड। इन अदर वर्ड्स क्रेडिट नोट कैन बी इशूड ऑन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लोज बी की कंडीशंस पूरी हो रही हो या ना हो रही हो, आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, दैट हैज़ बीन क्लेरिफाइड। इट इज़ फर्दर क्लेरिफाइड दैट द सेकेंडरी डिस्काउंट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड वाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज सच डिस्काउंट वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड द कंडीशंस ले डाउन इन क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द सेड एक्ट आर नॉट सेटिस्फाइड। तो कहने का मतलब ये है कि उस डिस्काउंट के केस में आपको ITC रिवर्स नहीं करना। इन अदर वर्ड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट एज एक्सप्लेन्ड इन पैरा 2D3 और बाय एनी अदर मीन एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ प्रोविजंस इन क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द सेड एक्ट। सो देर इज नो इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी और अदरवाइज ITC इन द हैंड ऑफ सप्लायर इन द केस। तो सप्लायर के हैंड पे ITC का कोई इसमें कंसर्न नहीं है। जब आप रिसिपिएंट की बात करते हैं तो उस केस में सच सेकेंडरी डिस्काउंट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड वाइल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सच डिस्काउंट एज इट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ एज द डिस्काउंट्स आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड कंडीशंस लिस्टेड डाउन इन सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लोज बी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो होप ये सारी की सारी क्लैरिफिकेशन आपको हेल्प करेंगी और ये इमीडिएट इफेक्ट से चल रही है क्योंकि दीज आर द क्लैरिफिकेशन नॉट चेंज इन एनी लॉ। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आती है यू प्लीज़ राइट टू अस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।